आली मकाम उलमाए किराम खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना हाफिज़ जावेद साहब क़िबला, हाफिज़ मोहम्मद याकूब साहब क़िबला शेफी, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना फैज़ान साहब, बुलबुल बाग़े रिसालत मोहम्मद तौफीक साहब, जुमला अरबाब मिंबर व मेहराब, सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क मिन आदमी सुम्मा सलातु अला मुख्तार फिल क़दर अमीन तज़क्कुरी जिरानी बिज़ी सलामी मज़ज़्तदम आमी जरामी मुख्लतिन बिदन मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्दि व मिन अजम वल हबीबुल लज़ी तुर्जा शफ़ाअतुहु लिकुल हौल मिन अल अहवाल मुक्तहिम सुम्मा रदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा व नुक़ा व हिल्म व करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانۂ مدد نما درہائے بس راز کلید کرم کشا सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुरमत रूहे पयंबर यक नज़र कुलसूर माँ मईनुद्दीन हसन आलम पनाहे रसूए माँ गरीबा ने कुलगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला व सिपाक एक नज़रदारी पर हाल माँ परेशान व सिपाक ली खम सकुन उत्ती बिहा हर रन वबाइल हातिमा अलमुस्तफ़ा वलमरतबा वबना हुमा वलफ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नगारम दर जहाँ जुजु हबीबम मर्ज दारम जनसियाँ लाला दवाए मगर अलता फ़े तू बाशर तबीबम बकारे फैश हैरानम अविसनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अविसनी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मल जाए नदारम जुस्तु मावाए तुई खुद साज सामानम अविसनी या रसूल अल्लाह शाह पेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साफी कुन मरीज़े दर्द इसयानम नविसनी या रसूलुल्लाह रज़ायत साइले पेपर तुई सुल्तान लातन हर शाह बहरे अजी खानम नविसनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी के हक़ मुस्तफ़ा व मुर्तबा व शाही गिलानी व शाही सुन्नम आइए इस ठंडे माहौल में इख्तिसार के साथ कुछ अरज़ो मारूज़ से पहले बारगाह रिसालत पाक में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा इस यकीन के साथ पढ़ें कि हम दारुल उलूम इसहाकिया के सदर गेट पर बैठ कर सुनते हैं कि मुस्तफ़ा अपने मदफन मुबारक से हमें खुद मुलाहजा फरमाते हैं और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुन तुनज्जी नबिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीर नबिहा जमील अल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सगियात व तरफ़ऊना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अफ़ज़ल ग़ायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बाद अल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंता अला कुल्ली शैइन क़दीर बे निशानों के निशान मिटते नहीं
बे निशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू करूँगा, तकरीर में फिर कभी करूँगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूर करीम की तौफीक से हम बैठे तो हैं, मगर जैसी मुझे उम्मीद थी वैसे नहीं बैठे हैं। तालिबाने उलूम नबविया यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है, और होना भी चाहिए। और ये हमारी पुरानी रिवायत है कि जब इज्जतें नीलाम होती हैं तो इस हादिया के तलबा इज्जतें खड़े होकर बचाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू की शुरुआत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूर करीम ने हमें उस जमात में पैदा फरमाया है जिस जमात में एक से बढ़कर एक नगीने मौजूद हैं, और उस महकते हुए गुलशन यानी सिलसिला नक्शबंदिया के एक गुलशन पर हमें और आपको आज गुफ्तगू सुननी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुनाज़िरे अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब कुल्ला अशफाकी मुफ्ती मेवात मिंबर नूर पर जलवागर होंगे और उनकी पुरमग़्ज़ खिताबत आप समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम ने इस दुनिया को आलम असबाब बनाया और ऐसा असबाब वाला बनाया है कि इसमें बगैर किसी सबब के कोई काम नहीं होता। हत्ता के बगैर किसी जरिए और वसीले के इंसान की जिंदगी शुरू नहीं हो सकती, बगैर गिलास के और पानी के वसीले के भूख प्यास की शिद्दत खत्म नहीं हो सकती, बगैर रोटी के वसीले के भूख की शिद्दत खत्म नहीं हो सकती। वो कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर कादिर है, मगर उसने हर चीज़ के लिए ज़रिया बनाया है। इसी तरीके से खिदमत दीन मुस्तफ़ा के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जमात को चुन रखा है, वो जिसे चाहता है उस जमात में शामिल फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और उसका फ़ेल, हर फ़ेल बेमिसल बेमिसाल होता है। बल्कि अकाबरीन उम्मत एक किस्सा बयान करते हैं, मैं बतौर दलील उस किस्से को बयान करके गुफ्तगु आगे बढ़ाता हूँ कि एक बंदा रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि दरिया के किनारे एक शख्स आया और आने के बाद उसने अपनी पैसों की थैली दरिया के किनारे रखी और खुद किसी काम से या बगर से इस्तिंजा गया। जब वापस आया तो देखा वहाँ एक बूढ़ा मौजूद था और उसकी थैली गायब थी, मगर देखने वाला क्या देखता है कि वो जवान आया और उसने अपने पैसे रखे। पैसे रखने के बाद जब वो इस्तिंजा करने के लिए गया तो एक कोई छोटा सा बच्चा वहाँ आया और उसने पैसों की थैली उठाई आगे चला गया। उसके बाद बूढ़ा आया, इत्तेफाक ये हुआ कि जैसे ही बूढ़ा वहाँ पहुँचा ये अपनी हाजत से फारिग होकर वापस वहाँ पहुँच गया। इसने कहा मेरा माल कहाँ है, मेरे पैसे कहाँ है, मेरे रुपयों की थैली कौन लेके गया। अब उस बूढ़े ने कहा मैंने नहीं ली, लेकिन चूंकि बूढ़े के सिवा वहाँ कोई मौजूद नहीं था इसलिए उसने सोचा कि माल इसी ने ले रखा है। आखिर नतीजा ये हुआ, झगड़ा बढ़ता रहा, इसने तलवार निकाली और बूढ़े का सर कलम कर दिया। वो दूर से देखने वाला बंदा अपने मालिक से अर्ज करता है बारी ताला, तेरा ये इंसाफ मेरी समझ में नहीं आया, तेरा ये अमल ये फेल मेरी समझ में नहीं आया। ए अल्लाह तबारक व तआला, जब पैसे किसी और के थे, ले कोई और गया, कत्ल कोई और हो गया, फिर भी तो इंसाफ, कैसा इंसाफ। आवाज आई सुन हम इंसाफ का मामला बताते हैं। नतीजा ये है, सुनिए बड़ी तेजी के साथ, मामला ये है कि जब वो बंदा पैसा रख के वहां गया, दरअसल आवाज आई कि जिस बच्चे ने उस जवान का माल उठाया था, दरअसल वो माल भी जवान का नहीं था बल्कि उस बच्चे के बाप का माल वो चुरा कर या कसब करके लाया था। क्योंकि बाप के माल का वारिस बेटा होता है, इसलिए हमने इंसाफ करते हुए उस माल को उस बच्चे तक पहुंचा दिया और जिसको कत्ल किया गया, इस बूढ़े ने अपनी जवानी में इस कातिल जवान के बाप को कत्ल किया था, हमने उस 20 साल पहले का इंसाफ आज पूरा करवा दिया। ये हिकमत है, पता क्या चला कि वो जो करता है वही जानता है। हम इतना मानते हैं वो जो करता है जैसा करता है बिल्कुल अच्छा।
तरीके से रब्बे काबा की हिम्मत और रब्बे काबा का फेल बेनजीर और बेमिसाल होता है। तो बड़ी तेजी के साथ मैं बिला ताखीर अपने मौजू पे आता हूँ और तमहीद में ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम ने खिदमत दीन के लिए भी एक से बढ़कर एक गौहर हमें और आपको अता फरमाए हैं। यकीनन चार सिलसिले मशहूर हैं। एक वो सिलसिला कादरिया कहा जाता है जिसके बानी सुल्तान सुल्तान गौसे आजम है। दूसरे को सिलसिला चिश्तिया कहा जाता है जिसके बानी है तो शाह अबू इसहाक शामी, मगर हिंदुस्तान में बानी सिलसिला चिश्त सुल्तान हिंद अताए रसूल फरजंदे बतूल सत्ता ब कदम आले रसूल चमनिस्तान जहरा के महकते हुए फूल मालिक हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान आका हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज है। एक सिलसिला है सिलसिला सोहरवर्दिया जिसके बानी हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है जिसके मारूफ मशहूर खलीफा हजरत सुल्तान गौसुल आलमीन बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुत्तानी है। एक सिलसिला सिलसिलाए नक्शबंदिया बताया जाता है ये सिलसिला सदाकत के बहरे जखार सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुस्तफा के जानिसार सरकार सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में सरकार कैफूर इब्ने ईसा यानी बायजीद बुस्तामी का भी नाम आता है। बहुत ही मुकद्दस सिलसिला और इस सिलसिले की चंद खसूसियतें हैं। एक खसूसियत तो यह है जिस तरीके से सिलसिला चिश्तिया की शाखें हो गई है, मिसाल के तौर पर गरीब नवाज सरकार का मुरीद चिश्ती तो लिखता है मगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद बाज़ औक़ात खुतबी लिखता है, बाबा फरीद का मुरीद फरीदी लिखता है, निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुरीद निजामी लिखता है, हजरत मखदूम पाक का मुरीद अशरफी लिखता है, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया में अपनी कोई शाख नहीं थी। बुजुर्ग तो बहुत सारे आए इसमें मगर नक्शबंदिया हमेशा नक्शबंदिया ही रहा। इस सिलसिले को किसी और नाम से याद नहीं किया जाता। हाँ बस सरकार शेख मुजद्दिद अल्फ़ेसानी के बाद ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया जरूर कहलाता है मगर नक्शबंदिया का नाम कभी हटता नहीं है। दूसरी बात ये लोग अपने मामले में बड़े सख्त होते हैं, कव्वाली सुनने को नाजायज और हराम तक जानते हैं। सिलसिला कादरिया में तो इतना है कि जनाब ना सुनी जाए मना है मगर इनके यहाँ बड़ी सख्ती के साथ मना है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसमें तसल्लुफ़ दीन का मामला सिलसिले नक्शबंदिया में है। सोरे साथ ही किसी को मुरीद नहीं करते, खलीफा बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सिलसिले नक्शबंदिया है। मैं इस सिलसिले के तारुफ पे गुफ्तगु करूंगा तो दो चंद मिनट मेरे और चले जाएंगे मगर मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ। सिलसिले नक्शबंदिया यकीनन अपने आप में जिस तरीके से नाम है ना नक्शबंद, इसी तरीके से इस्लाम की सरहदों में और अपने अकाबरीन तरीकत की सरहदों में ये लोग बांध दिया करते हैं और मुस्तफा जाने रहमत। लेकिन बात सिर्फ इतनी है चारों सिलसिलों में से हर सिलसिला एक ही समंदर और एक ही समंदर की लहरें हैं और उस लहरे सरकार को दुनिया अमीर कायनात मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्लाहु ताला मजहूल करीम के नाम से जानती है। ये चार जानी अली और मुस्तफा के सहाबा का ये फैजान है गली में चले जाओ मुस्तफा के वफादार मिलते हैं। गौसे आजम सरकार एक ऐसी जात है, आपके इल्म इजाफे के लिए बता दूं कि हर सिलसिले पर इनका फैजान है। ऐसा नहीं है कि ये बानिया सिलसिला कादरिया है, बानिया सिलसिला कादरिया है तो इन्हें सिलसिला नक्शबंदिया से लेना देना नहीं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि मेरे बाद मेरे उस्ताद का बयान है इसलिए मैं ज्यादा लंबी तफसीली गुफ्तगु तो नहीं कर सकता, लेकिन आला हज़रत का शेर पढ़ता हूँ। मज़रे चिश्त मुखारा वो इराको अजमेर कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदा। जिस शहर में चले जाए किसी शहर में चले जाए दिल्ली जाएंगे तो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी राज कर रहे हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे मगर गरीब नवाज का खलीफा दिल्ली में आज भी हुकूमत कर रहा है। बात अजमेर में रहने वालों तक बात में पहुंचेगी, अभी तो गरीब नवाज के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, फिर उनके फैजान से माला माल सरकार निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख दिल्ली में, सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम शाहकार हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दिल्ली में। बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में, ये अलग बात है कुर्सी पर कोई बैठता है हुकूमतें कोई और किया करता है। बात सिर्फ इतनी है तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती
की गौहर बादशाहों के खजीनों में न पहुंचे सिर कपोशों को इरादत हो तो देखिन को यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में चला देती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज कर रहा था सिलसिला नक्शबंदिया मिला जुला के बहुत बड़े सिलसिले का नाम है लेकिन चूंकि ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तान गरीब नवाज की सर्विस सबसे आला है इसलिए हिंदुस्तान की धरती पर सिलसिले चिश्त का ज्यादा बोलबाला है। हालांकि हमारे नजदीक सारे सिलसिले और सारे सिलसिलों के मशाइख हमारे सरों के ताज है अगर कहीं कमी है तो बस ये है कि जनाब दामन किसका हो हम ये नहीं देखते अमल कैसा है ये देखा जाता है हालात कैसे ये देखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम ने इस कायनात में एक से बढ़कर एक बंदे हमारे और आपके लिए अता फरमाए हैं मैं उन तफसीलात में नहीं जाता मगर सिर्फ इतना अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ अल्लाह सुभानहू व तआला को जब जब इस राजस्थान के मुकद्दस शहर जोधपुर पर खिदमत दीन करने के लिए किसी शख्स को मुंतखब किया गया तो उस शख्सियत उज़्मा को दुनिया शाह मोहम्मद इसहाक के नाम से जानती जहां तक मैंने पढ़ा और सुना है आप नसबन हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद हजरत शाह इसहाक उस्मानी हैं हजरत शाह इसहाक खानदान के अतबार से हजरत उस्मान गनी की औलाद हैं आपके वालिद गिरामी बेमिसाल ज़ात आपके दादा हजरत शेख कमालुद्दीन आपके परदादा हजरत शेख जमालुद्दीन कश्मीर में रहा करते थे शेख कमालुद्दीन आपके दादा कश्मीर में रहा करते थे शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के दादा को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आकर चार पोतों की बशारत अता फरमाई थी उसमें से एक का नाम शाह मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह एक का नाम हाफिज अब्दुल कादिर है एक का नाम हाफिज मोहम्मद कासिम है और एक का नाम हाफिज फजलुद्दीन है और एक का नाम हाफिज मोहम्मद इसहाक है चार बेटे हुए और आपको सुनकर गालिबन ताज्जुब होगा कि चारों बेटे अपनी अपनी 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो चुके हैं। इससे आगे तो मैं समझता हूँ कि तरबियत घर की तरबियत और खानदानी मामलात बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि 7-7 साल में जिनके घर के चारों से ज्यादा हाफिज़े कुरान हो फिर उनकी तरबियत का मामला क्या होगा और फिर आप खुद सोचे ना जिनकी आमद से पहले हजरत खिजर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिनके पोतों की बशारत आकर दिया करें उनमें एक नाम हजरत हाफिज मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। आपके वालिद गिरामी जब मुरीद हुए और खिलाफत हासिल की अपने मुर्शिद से तो खिलाफत हासिल करने के बाद रावलपिंडी की एक जगह है पिंडवाड़ा हमारे यहाँ भी एक पिंडवाड़ा है मगर मैं पाकिस्तान की बात करने लगा हूँ रावलपिंडी की एक जगह है पिंडवाड़ा वहाँ जाकर आपने क़याम फरमाया फिर अपने बहनोई की दावत पर वहाँ तशरीफ ले गए वहाँ क़याम फरमाया उसके बाद खिदमत दीन मदीन करते रहे मैं उनकी बारगाह में खिराज फिर कभी इंशाअल्लाह पेश करूंगा। हजरत शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रोड पर एक जगह है वहाँ क़याम फरमाते थे मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ूँ अल्लाह इज्जत जन्नत मजदूर करीम ने इस बंदे को खानदान भी बेमिसाल दिया था फिक्र भी बेमिसाल दी थी ख्यालात भी बेमिसाल दिए थे चूँकि और फिक्र भी तो जनाब तरबियत पर डिपेंड करती है सोच भी तो माँ बाप की तरबियत पर डिपेंड करती है अगर माँ बाप की तरबियत अच्छी होती है तो फिर आने वाले जवान की सोच भी बड़ी आला हुआ करती है। हाँ हाँ इसीलिए बड़े कहते हैं कि अगर बीबी माहे नूर जैसी माँ हो तो बेटा गरीब नवाज होता है। हाँ हाँ इसीलिए तो कहा जाता है कि वो माए और थी जिनको जिनके पतनों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाना जाता था। मैं उस मौजू की तरफ भी नहीं जाता अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम ने शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इंतहाई फजल व कमाल अता फरमाया बाप बेमिसाल अपने वक्त के ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने खिलाफत दे दी और ये पीर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह खानाजात पीर का नाम शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह है बड़ी दीन और खिदमत का जज्बा रखते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत मकबूल थे लेकिन सुने बड़ी तेजी के साथ खानदान बड़ा निराला आपके वालिद गिरामी के जानशीन हजरत ख्वाजा
फजलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो आपके भाई हैं उनका उनको जानशीन बनाया गया। आप तीसरे नंबर के बेटे थे मगर उनको जानशीन बनाया गया। अब ये जानशीन बनाने वाला जाने की क्यों बनाया गया, मगर सुन लीजिए एक बात अर्ज करूं, जानशीन वो जरूर थे मगर एक बात मुझे याद आ गई, जानशीन वो जरूर थे मगर वो रहते थे अपनी जिंदगी के एक आखिरी मरहले में जावरा एमपी में, मध्य प्रदेश में जावरा है, वहां रहते थे। अब वहां उनका एक मुरीद खास था, उसका नाम गालिबन शेख हमीदुल्ला था, शेख हमीदुल्ला उसका नाम था। और वो रहता तो शाह साहब के साथ था मगर जब वो हज करने के लिए गया तो शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से उसकी मुलाकात हुई। जब वहां उसकी मुलाकात हुई ना तो बजाई बात है कि उनके साथ चंद दिन, अल्लाह वालों की शान ये होती है जो चंद घंटे साथ रहता है फिर जनाब जुदाई में रोता है। खड़े होकर इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब साहब के मिला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलमगीर साहब के मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब क़िबला भी तशरीफ फरमाए और मुनाज़िर सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब क़िबला भी तशरीफ फरमाए। जो कमी स्टेज की थी वो मुकम्मल पूरी हो गई, इसलिए कि अगर बिला मुबालगा मैं अर्ज़ करूँ तो बात ऐसी है कि अगर कोई अपने दलाइल से अहले हदीसों की छक्के छुड़ाने की हैसियत रखता है तो कोई अपने दिमाग और समझदारी से भी अहले हदीसों की हालत ख़राब करने की हैसियत रखता है। किसी की शान ये है कि उनके जज्बात मशहूर हैं तो किसी की शान ये है उनके अखलाक मशहूर हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत पाक की पैदावार हूँ, मैं बड़ी तेज़ी से दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आल सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु तर्ज़ा बि तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दोनों में एक बात संयुक्त तौर पर मौजूद है कि दोनों खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान हैं। पता क्या चला कि गोया की रूहानियत मुफ्ती आज़म राजस्थान अपने कई तरीकों से इस महफिल में जलवाबार है, ये मेरा ईमान और विजदान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की चल रही थी, मैं बड़े इख्तिसार के साथ अर्ज करूँ क्योंकि दो खिताब होना है। शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपने दीन के लिए चुन लिया था। आपको सुनकर हैरत होगी कि 18 साल तक वो अपने परिवार वालों से ऐसे दूर रहे कि उन्हें परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़ अक़रबा को ये पता नहीं कि इसहाक साहब कहाँ गए 18 साल। और वो थे कहाँ, रावलपिंडी छोड़ के आ गए, पुराने दौर की बात है। अब वो थे कहाँ तो ये किसी को पता नहीं और पूरे हिंदुस्तान को उस वक्त तलाश किया जा रहा था। लेकिन आपके बहनोई हैं और चचा साहब भाई भी हैं शेख मोहम्मद अमीन, हज़रत ख्वाजा बाकीबिल्ला के आस्थाने पर हाजिर है और वहां बैठकर सरकार ख्वाजा बाकीबिल्ला से इस्तखाजा करते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरे चचा साहब भाई और मेरे साले शाह इसहाक का पता नहीं मिल रहा, आप करम फरमाए। ख्वाजा बाकीबिल्ला कौन है, ये भी एक बहुत ही मुस्तनद ज़ात और बहुत ही बावकार सिलसिला नक्शबंदिया की ज़ात है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत ख्वाजा बाकीबिल्ला की चौखट पर एक बंदा झाड़ू दिया करता था। एक दिन अर्ज करने लगा साहिब मज़ार से, हुज़ूर मुझे कोई आपकी तरह पीर दिला दो। कोई हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पर झाड़ू देता था, कहा हुज़ूर मुझे कोई पीर दिला दो, कोई पीर दिला दो, कोई पीर दिला दो, मगर
जनाब तारीख के अल्फाज मौजूद है कि एक दिन साहिब मजार का करम हुआ और का एक बंदा आज आएगा और जब वो आज आ जाए तो उसको पकड़ के कहना हुजूर मुझे मुरीद कर लो। कहा ठीक है हजरत, मजार आस्ताना किसका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। हाजिरी देने वाला शख्स कौन है? वो बंदे कलंदर हाजिर बाश हुआ। दुनिया उसे पाकी बिल्ला कहती थी, फकीराना अंदाज है, फकीराना लिबास है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पर हाजिर है झाड़ू लगाने वाला, चेहरे पुछरे से समझ गया खादिम आस्ताना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, समझ गया कि साथ यही है जो कुछ है, मुरीद इन्हीं से होना। पकड़ के कहने लगा दामन, हुजूर मुझे मुरीद फरमा लो। आवाज आई, नहीं भाई मैं मुरीद करने के लायक नहीं हूँ। कहा नहीं हजरत, मुझे तो पता चला है बल्कि साहिब मजार ने मुझे ये कहा है आपसे मुरीद हो जाओ। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहने लगे, नहीं नहीं वो किसी और के लिए कहा होगा, मैं तो खुद फकीर आदमी हूँ। इंकसारी के पैकर तशरीफ फरमा है, ये खुद अपने आप को मुफ्ती साहब फकीर फकीर कहा करते, मगर कई फकीरों का मामला ऐसा है कि उनकी अमीर इसलिए चलती क्योंकि ये फकीर बन कर बैठे। बड़ी तेजी से आगे चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदुर करीम ने उस मर्द कलंदर की किस्मत को न जाने कितना उलूज अता फरमाया था। वो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला चले गए ये कहकर कि मैं मुरीद नहीं करता या मैं मुरीद करने के लायक नहीं या किसी और के बारे में कहा होगा। लेकिन इधर फिर मुराकबा किया गया, आवाज आई, साहब ने हुक्म हुआ, सुनो सुनो बात इतनी है कि वह अपने आप को छुपा के चला गया मगर वही है जो मुरीद करने के लायक है। अल्लाह अकबर। वापस हाजिरी हुई, इख्तिसार के साथ अर्ज करूं, वापस हाजिरी हुई, इन्होंने फिर दामन को पकड़ लिया। अब तो जाने नहीं दूंगा, मुरीद तो आपसे होना है। कहा नहीं वो कोई और होगा। कहा नहीं मैंने वेरिफिकेशन कर लिया, आप किस बात कोई है नहीं, है तो आप ही है, अब मुरीद कर लीजिए। बहरहाल वो है ख्वाजा बाकी बिल्ला, हजरत गरीब नवाज का खलीफा, जिससे मुरीद होने का इशारा करे उसे बाकी बिल्ला कहा जाता है। बहरहाल बड़ी तेजी के साथ अर्ज करूं, उस मजार पर बैठ कर बुजुर्ग ने हजरत के चचाजाद भाई ने अर्ज किया कि मेरा भाई मिलता नहीं है। इख्तिसार सुने, अब उनको दिखाया गया कि जोधपुर में इल्मे दीन फैला रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। वहां से उन्होंने तार लिखा, टेलीग्राम उस दौर में चला करता था, तार लिखा, यहां से वेरिफिकेशन हुआ, हाँ ये यही मौजूद है। तो फिर वो दिल्ली से यहाँ आए और फिर अपने साथ रावलपिंडी ले गए, वहाँ फिर शाह साहब अलैहि रहमा की शादी वगैरह हुई। वापस आप अपनी अहलिया के साथ यहाँ तशरीफ लाए। ताज्जुब तो ये है कि मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके खानदानी और मौरूसी मामलात उन शख्सियतों के साथ हैं, और माशाल्लाह जिस काजी पाड़ा और मोती चौक में हजरत खिदमत दीन मुस्तफ़ा करते थे वहाँ की इमाम भी मौलाना जावेद साहब मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है और उनकी जानशीनी का हक अदा करने की कोशिश फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदुहुल करीम ने उस बंदे को मुंतखब किया, 18 साल बाद वो मिले। बहरहाल वो पाकिस्तान में मां अहलिया तशरीफ लाए और आप हैरत फरमाएंगे कि एक ऐसा मर्द कलंदर जिसकी आदत ये थी कि वो नमाज पढ़ते ना तहज्जुद की, तो हम तो दावेदार हैं कि हम उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं। हमने कहा हवा जरा सा सख्त हो जाए तो लोग उनके नाम पे महफिल में बैठने को तैयार नहीं है और जन्नत में जाने के लिए तैयार। मैंने मुलाकात तो नहीं की मगर पीर साहब अल्लाह की आमद की तस्वीर जरूर देखी थी, उससे तो अंदाजा हो रहा था कि आज मेवा फरोशों का बहरे जख्खार से मुलाकात करनी है। सठाटे मरता हुआ समंदर होगा, मगर क्या करें, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा धन्यवाद। बात बड़ी तेजी से आगे बढ़ाता हूँ कि वो कौम है जनाब जिसकी यकीनन किताबों में आज भी आपकी कौम की दीन की खिदमत आज भी रकम है, और जिस अंदाज से आपके आबा व अजदाद ने रब्बे काबा के दीन की खिदमत के लिए कुर्बानियां दी उसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। हजरत शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सरजमीन जोधपुर में दीन की खिदमत फरमाते थे। जब तकवे का आलम यह था कि तहज्जुद की नमाज अदा करते ना तो तहज्जुद में 10 पारे पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज में 10 पारे तिलावत करते थे, तहज्जुद की नमाज में हर रात की याद। एक बार बाड़मेर गए थे, हजरत बाड़मेर भी गए थे एक बार, शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब बाड़मेर तशरीफ ले गए तो वहां से वापस जब आने लगे तो ट्रेन वहां से कोई कहा चलती रही होगी पुराने टाइम में कोयले वाली, तो जब वापस आने लगे ना
तो रात का टाइम था जब बाड़मेर से ट्रेन मिलती थी जोधपुर के लिए। जाहिर सी बात है कि तहज्जुद का वक्त हुआ, लोगों ने कहा हुजूर ट्रेन आने वाली है जल्दी चलिए। उस वक्त तो ट्रेन स्टेटस चेक करने वाले सॉफ्टवेयर तो थे नहीं कि कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है। तो बहरहाल हजरत ने फरमाया मैं अपनी नमाज मुकम्मल कर लूंगा उसके बाद जाऊंगा। तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई और मुकम्मल आदत के मुताबिक 10 पारे तिलावत बयान करने वाले बयान करने। ट्रेन थी तो एकदम सही मगर फिर भी बाड़मेर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर खड़ी रही। जब शाह साहब पहुंचे स्टेशन पर तब जाके वो ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई। ट्रेन की तो कई सारी करामतें बीकानेर की भी हैं वगैरह की भी है पाली की भी है। बहरहाल मैंने मुताला आज ही किया है हमने जिंदगी में तो शेर राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब से ही सुना था जिंदगी भर शाही साहब के बारे में। आज मैं खुद पढ़ के आया हूँ इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ बयान कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने अर्ज किया करामतें बहुत सी हैं उस तरफ नहीं जाता मगर जनाब करामत अपनी जगह है। बात तो यह है कि तहज्जुद की नमाज में 10 पारे की तिलावत ये अपने आप में कितनी बेनजीर बात है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आपके मुरीद पाली में और बहुत सी जगह आप फजर की नमाज उस मस्जिद में अदा फरमाते थे जिसमें मौलाना मंसूर साहब इमामत करते हैं। उस मस्जिद में फजर की नमाज अक्सर बेशतर सौदाग्राम में अदा फरमाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा मकाम अता फरमाया था साहब। मगर यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ औलिया जो अपने आप को छुपा कर चले जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खिदमत आबे जर से लिखने के काबिल होती है और उनका नाम अजहर मेरा शम्स होता है। सुने मैं बड़ी तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूँ आप अंदाजा लगाए। एक आस्ताना है नीमा निमड़ी का, बातें बहुत कुछ है मगर मैं खत्म कर रहा हूँ। नीमा निमड़ी जानते हैं लोग मानते भी हैं और जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। कुछ गए होंगे कुछ नहीं गए होंगे। वहाँ एक मज़ार है शहीद हाफिज फयाजुद्दीन रहमतुल्लाह वो आपके पीर भाई हैं साहब आपके शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई हैं शेख फयाजुद्दीन। मगर देखें साहब मकाम क्या है शाह इसहाक का। किताब में लिखा है कि जब शहीद फयाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को किसी बात पर कोई इश्काल पेश आया और कुछ ऐसे मामलात हो गए कि वो हल नहीं हो पा रहे थे तो उन मसाइल को हल करने के लिए वो बड़े परेशान थे बड़े परेशान थे। अल्लाह जल्ला मजदूल करीम ने उन्हें भी मकबूल बनाया था इसमें कोई दो राय नहीं मगर वलियों के भी दर्जात होते हैं। इख्तिसार के साथ अर्ज करूँ कि जब वो इंतहाई ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर वो सरकार सुल्तान तारिकीन सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की चौकट पर हाजिर हुए। हाफिज फयाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे आकाए नेमत सुल्तान सूफी की चौकट पर हाजिर हुए। जब वहाँ हाजिर हुए और मुराकबा फरमाया और अर्ज किया हुजूर मेरे ये मामलात हैं हल नहीं हो रहे जनाबे वाला आप सुन के हैरत फरमाएंगे कि देखे आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे दीदे खैर को नजर क्या है वो क्या देखे नागौर का सुल्तान सूफी कहते हैं जा जोधपुर में मोहम्मद इसहाक मौजूद है उसी से मसले को हल करवाने मेरे यहाँ किसी नारे नारे हजरत सूफी साहब की चौखट को चूम कर शहीद फयाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वापस तशरीफ लाए और जनाब किताबों में लिखा है फजर की नमाज जाकर सौदागरान में शहीद फयाजुद्दीन ने अता फरमाई। पता चला कि उस मस्जिद में सिर्फ शाह इसहाक ने नहीं शाह फयाज ने भी नमाज अदा फरमाई और न जाने कौन कौन सी शख्सियात ने नमाज अदा फरमाई। अल-किस्सा मुख्तसर वहाँ नमाज फजर अदा की शाह इसहाक ने नमाज अदा फरमाई अपने वजीफे में मशगूल हो गए ये शहीद फयाज रहमतुल्लाह अलैह हाथ बांध कर पीछे बैठ गए। शाह इसहाक जब अपनी वजीफे से अपनी इबादत से फारिग हुए तो जनाब अल्लाह वाले हैं इनकी हालत तो ये होती है कि बस इत्तकु फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह मोमिन की फिरासत से बचा करो वो अल्लाह के नूर से देखता है। इधर शहीद फयाजुद्दीन पर नजर पड़ी शाह इसहाक की और पलट कर वहां सूफी साहब के आस्थाने पर शाह फयाज ने ये अर्ज किया था हुजूर मेरा खोया हुआ मकाम मुझे वापस दिला दो मगर यहाँ आकर अभी कहा नहीं है। शाह इसहाक कहते हैं फयाजुद्दीन जो खो चुका है अल्लाह तुझे अता।
कि इधर जुमला अदा हुआ उधर खोई हुई चीज मुझे वापस मिल रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम ने इतना मकाम शाह इसहाक को ता फरमाया था। खशियत बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, बेमिसाल इबादत बेमिसाल। और फिर जनाब कुरान की आयत मैंने पढ़ी, वल्लजीना हाजरु फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में हिजरत कर देते हैं फिर वो कत्ल कर दिए जाए या उनका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम उन्हें रिज़्क हसन अता फरमाया करता है। आपकी अहलिया का मजार और एक किताब में लिखा है आपके शहजादे का मजार सिवांची गेट आसिया भी आसिया बाई कब्रिस्तान में है, मगर ये अलमिया है कि हम शाह इसहाक से ही वाकिफ नहीं है, तो उनके शहजादे और उनकी अहलिया की चौकट पर फातिहा खानी तो बहुत बात की बात है। बात मैं खत्म कर रहा हूँ। शाह इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मदरसे को कायम किया था जो पहले मोती चौक में था, फिर ट्रांसफर होकर यहाँ आया। और सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजहूल करीम ने जिन लोगों को तौफीक अता फरमाई उन तमाम लोगों ने उस मदरसे को बनाने में खिदमत की। इस मदरसे में हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब भी तशरीफ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए, मगर जनाबे वाला जिसके मुकद्दर में बाबे खैबर होना फातह खैबर होना लिखा होता है, हुज़ूर फिर फरमाते हैं कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जो खैबर का फातह होगा, तो ये मुकद्दर की बात है। आए की बहुत सारी शख्सियात आई, मैं उनकी इज्जत और अजमत की बिल्कुल उनकी इज्जत और अजमत का इनकार नहीं करता, मगर इस गाड़ी को अगर किसी इंजन ने दौड़ाया है तो उसको दुनिया बाबा कौम मिल्लत मोहसिन आजम राजस्थान, मुफ्ती आजम राजस्थान, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाती है। और सुने साहब, जब ये इदारा तरक्की पर आ गया, बात ऐसी नहीं है शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, उनके नवासे उनके बाद यहाँ आते थे, शहजादे तो नहीं उनके नवासे आते थे। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, जब उनका विसाल हो गया तो उनके खुलफा और मुरीदीन ने ख्वाब में देखा, क्या देखा, ख्वाब में आकर इरशाद फरमाते देखो तो सही हमारा मदरसा कितनी तरक्की पर है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि, बल्कि मैं जब इस रिवायत को पढ़ने के बाद सोचने लगा कि ऐसा नहीं है कि इस चार दीवारी में सिर्फ बाबा कौम मिल्लत का और मुफ्ती आजम हिंद और मुहद्दिस आजम हिंद का फैजान और मुजाहिदीन दौरा की मेहनतें हैं, नहीं नहीं, न जाने शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की कितनी दुआएं हैं और पता नहीं कौन कौन से सिलसिले के किन किन बुजुर्गों ने इस इदारे के लिए दुआ फरमाई। हमारे तलबा आपस में कई बार डिस्कस करते आखिर क्या वजह है कि इसहाकिया आने के बाद जाने का दिल नहीं करता, शायद यही वजह है कि अल्लाह वालों की दुआओं से इतना सुकून मिलता है कि यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानदार उलूम के उलूज और इंतका को अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद दुबाला फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खिदमत दीन की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इदारे को तरक्की मुफ्ती आजम राजस्थान अली रहमतुल्लाह रिजवान के जरिए दी, मगर मैं कुर्बान रहते मुफ्ती आजम राजस्थान की अमानत पर और अमानतदारी पर, जब ये मदरसा इदारा दारुल उलूम की हैसियत और शक्ल ले रहा था, जाहिर बात है कि उस वक्त एक सबील उनके पास मौजूद थी कि वो अहले सुन्नत के किसी और बुजुर्ग के नाम भी इस इदारे को कर सकते थे, मगर ये उस मर्द कलंदर की अमानत थी, अमानतदारी थी कि आज तक उन्होंने इस मदरसे को न दारुल उलूम अशरफिया किया, न दारुल उलूम रज़विया किया, न दारुल उलूम कादरिया किया, न दारुल उलूम गरीब नवाज किया, बल्कि अमानतदारी के साथ कहा ये फैजान इसहाक का है तो ये इसहाकिया ही रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसको इसहाकिया ही रखे और बाबा इसहाक नक्शबंदी के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। जो कुछ बया हुआ अल्लाह तबारक व तआला उस उन तमाम को कबूल फरमाए और जो कुछ गलतियां हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत कामिला से माफी अता फरमाए। दरसगाहे अहले सुन्नत दे रही है ये सदा, फैज है जारी हजरत इसहाक का। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अहले सुन्नत की अमानत को खूब उरूज अता फरमाए और इसकी मरकजियत को सलामती अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़े बाप था, आप मुझ में कमाल रखा है बस मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त रखता हूँ, मुनाफिक बन के रिश्तों की सियासत में नहीं करता। वाह।